झारखंड सरकार के कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह के आवास पर आंगनबाड़ी सेविका और सहिका धरना पर है। 8 सूत्री मांगों को लेकर दीपिका पांडे के आवास पर लगातार धरना प्रदर्शन सेविका का जारी है। हम लोग अभी दीपिका पांडे सिंह जी के आवास पर हैं, सूबे के मंत्री हैं और इनके आवास पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ सेविका और सहायिका लोग जो है वो अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं। और ये तस्वीर दिखाइए विकास करीब आकर किस प्रकार से यहाँ एक जो भूखहड़ताल के लिए सहायिका आई हुई है उनका तबियत जो है वो बिगड़ते दिख रहा है। लोग उनका सेवा में लगे हुए हैं, नवरात्रि का व्रत चल रहा है और ऐसे में लगातार देखिए किस प्रकार से ये तस्वीरें इस वक्त की हम आपको बड़ी दिखा रहे हैं कि दीपिका पांडे सिंह के आवास पर एक सेविका का तबियत जो है वो बिगड़ते नजर आ रहा है। हमारे साथ के लिए क्या कहेंगे सर? हम आंगनबाड़ी के संघ के प्रदेश संयोजक गोपाल प्रसाद यादव हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप जो 2019 में जो घोषणा पत्र में दिए थे कि सेविका सहायिका को वेतनमान करेंगे, वो 5 साल पूरा होने जा रहा है, आप सेविका सहायिका को वेतनमान कर दीजिए। यही दुर्गा है जो यही मैंने आपका उद्धार करेंगे और यदि आप नहीं कीजिएगा तो यही चंडी बन के आपका नाश कर देंगे। इसीलिए आप कल दीपिका मैडम को फोन की थी कि 8 तारीख को कैबिनेट में आप सबका मांग पूरा किया जाएगा। यदि 8 तारीख को दीपिका मैडम और पूरा सरकार यदि सेविका को वेतनमान कर देंगे, 9 तारीख को उसका जय जयकार करेंगे, पुनः से हेमंत सरकार को द्वारा गद्दी पे बैठाने के लिए हम सब एकजुट होकर तन मन धन से इसको मदद करने के लिए तैयार हैं। अब पूरा नहीं होगा तो उसके बाद नहीं होगा तो सब चंडी बन के उसका नाश करेंगे। यही सेविका दुर्गा भी है और चंडी भी है। यदि सेविका को कर दिया तो दुर्गा के रूप में सबको उद्धार कर देंगे या नहीं करेंगे तो चंडी बन के नाश कर देंगे। मैं मेरमा प्रखंड की पुरानी अध्यक्ष रुखसाना खातून, मैं हमारी अपनी दीपिका पांडे जी को कहना चाहती हूँ कि आज हमारी सेविका दीदी जो दुर्गा पूजा के अवसर पे नवरात्रि करती हैं, वो आज लास्ट हर जगह जाके रांची से लेके महागामा से लेके गोड्डा से लेके हर जगह अपनी मांगों को रख के आपके सामने भी रख के गिरगिरा के आश्वासन को आज लास्ट तोड़ के आपके दरबार में आके भीख मांगने के लिए बैठी हुई है हमारी सेविका और सहायिका बहने दीपिका पांडे जी। आप हमारा दीदी सुनिए और ये देखिए हमारी सेविका और सहायिका बहने भी यहाँ बेहोश हो चुक रही हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है कि हमारी मांगों को पूरी करें जो आप जिस तरह आप जीते थे और हमारे मेहरमा प्रखंड में हम लोगों ने डीजे के साथ आपको पूरा मेहरमा में नाच गूंज करके आपको दिखाए थे, उसी तरह हम लोग को लास्ट आज का मिनट में मांग हमारी पूरी करें जो फिर से आपके इसी दरबार पे हम लोग आके आपके साथ डीजे में गूंजे और नाचे और आपको माला दर्पण करें। इसलिए हमारी मांग को आपसे बहुत बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि ये लास्ट कमिट में हम लोग की जो मांगे हैं उसको पूरी रखें, नहीं तो हम लोग कहीं की नहीं रहेंगे, ना घर की रहेंगे ना सरकार की रहेंगे। इसलिए अब कह के मैं अपने आप वाणी को प्रण करती हूँ। आज कैबिनेट का अंतिम बैठक है और तमाम सहायिका सेविकाएं का लगातार प्रार्थनिक हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं मंत्री जी से कि इस बैठक में कम से कम हमारी मांगे जो है वो पूरी हो जानी चाहिए।